रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर छिड़ चुका है और रशियन डिक्टेटर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया है टू पुट न्यूक्लियर फोर्सेस एट स्पेशल अलर्ट। यूक्रेन एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज शॉक्ड द वर्ल्ड विद अ न्यूक्लियर थ्रेट। в особый режим несения боевого дежурства. But इन सारी चीजों से हम इंडियंस पे क्या असर पड़ता है? वॉर की खबर आते ही इंडियन मार्केट्स एक दिन में 5% जितना गिर गए, जो कि पिछले एक साल में बिगेस्ट वन डे फॉल है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो गया। बट अगर वॉर रशिया और यूक्रेन के बीच है, देन हमारा इंडियन मार्केट्स क्यों गिर रहा है? Now, one of the primary questions that arises now is actually रशिया को यूक्रेन को इन्वेड करना क्यों है? So, इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, जो 2014-15 की यूक्रेन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, is believed to be inspired by NATO. NATO का फुल फॉर्म है नॉर्थ Atlantic Treaty Organization और ये 28 यूरोपियन कंट्री का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, which includes US, UK, Canada, Germany, Italy, etc. So, obvious सी बात है, अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है, then रशिया अपनी बॉर्डर्स अपने दुश्मन के साथ शेयर करेगा, क्योंकि रशिया नेटो को अपना दुश्मन मानता है और इसीलिए रशिया यूक्रेन को इन्वेड करना चाहता है। इंडिया का टेक इस पूरे मैटर पे अब तक न्यूट्रल है, जो कि कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि इंडिया ने ये सेम चीज की थी 2014 जब रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड किया था। इंडिया के लिए ये वॉर अब रशिया वर्सेस यूक्रेन का नहीं रहा, क्योंकि ये वॉर बन चुका है रशिया वर्सेस यूएसए, क्योंकि यूएसए यूक्रेन के सपोर्ट में है। इंडिया के लिए एक तरफ खाई है तो एक तरफ कुआ, क्योंकि अगर इंडिया रशिया का सपोर्ट लेता है देन इंडिया के जो यूएस के साथ रिलेशन है वो बिगड़ सकते हैं, और ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया यूएस के साथ मिलकर चाइना को काउंटर कर रहा है, और अगर इंडिया यूएसए का सपोर्ट करता है देन इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ बिगड़ सकते हैं, और इंडिया के बहुत ही पुराने रिलेशन है विद रशिया, और रशिया ने हिस्ट्री में हमें बहुत बार मदद भी की है, और हम रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, क्योंकि हमारे 80% से ज्यादा वेपन्स रशिया से आते हैं, इसलिए इंडिया के लिए ये दोनों रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है। अब इस वॉर को रोकने के लिए बाकी सारे कंट्रीज के पास दो ऑप्शन है, एक तो अपनी मिलिट्री भेज के रशिया को हरवा दे और इस वॉर को खत्म कर दे, बट कोई भी कंट्री ये स्टेप नहीं लेगी, क्योंकि इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस बन सकते हैं, और सेकेंड ऑप्शन है बाकी सारे कंट्रीज रशिया पे इकोनॉमिकल प्रेशर बना सकते हैं, यानी कि रशिया पे ट्रेड सैंक्शंस लगा सकते हैं, और ये वॉर के शुरू होते ही कनाडा, यूएस, यूके, जर्मनी ऐसे बहुत से देशों ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए हैं, और अगर रशिया फिर भी पीछे नहीं हटता देन ये सैंक्शंस और भी बढ़ा दिए जा सकते हैं। बट रिमेंबर, ये सैंक्शंस दो धारी तलवार होती है, ये खाली रशिया को इफेक्ट नहीं करेगी, ये बाकी सारे कंट्रीज को भी इफेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि रशिया से बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है, ऑलमोस्ट 1 out of every 10 barrel इज बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम रशिया। फॉर एग्जाम्पल, रशिया पे और भी ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए जाए देन रशिया क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल डिमांड तो उतनी ही रहेगी लेकिन सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइस और भी बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी क्रूड ऑयल के प्राइसेस प्रीवियस 7 ईयर के हाईस पे चल रहे हैं, और ये चीज इंडिया को बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचा सकती है, क्योंकि इंडिया ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करती है, और अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए देन इंडिया में भी पेट्रोलियम के प्राइस बढ़ जाएंगे, और इसकी वजह से इंडिया में ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, क्योंकि हर एक चीज जो भी ट्रांसपोर्ट होती है वो महंगी हो जाएगी बिकॉज ऑफ पेट्रोल गेटिंग एक्सपेंसिव। एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि इंटरनेशनल ट्रैवल भी महंगा हो जाएगा। इंडिया में 80% से ज्यादा एडिबल सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से इंपोर्ट होता है, सो एडिबल ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। यूक्रेन फार्मा प्रोडक्ट्स इंडिया से इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इंडिया की 3 बड़ी कंपनीज पे इफेक्ट आ सकता है, रेनबैक्सी, सन फार्मा एंड डॉक्टर रेडीज। रही बात कुछ पॉजिटिव्स की, तो रशिया एंड यूक्रेन आर वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ग्रेन्स, और इंडिया यहाँ पे फायदा उठा के ये सारा मार्केट कैप्चर कर सकता है। अब तक इंडिया रशिया से 600 मिलियन से भी ज्यादा के फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट किया करती थी, अब इंडियन लोकल मैन्युफैक्चरर्स के पास गोल्डन चांस है टू फुलफिल दिस डिमांड। सो हमें एज ए इन्वेस्टर करना क्या चाहिए? सी, आपको और मुझे, हम दोनों को पता है कि मार्केट्स कभी ना कभी रिकवर हो जाएंगे, बट व्हाट टू डू एज ऑफ नाउ? आपको सबसे पहले अपनी होल्डिंग्स बेचनी नहीं है, क्योंकि आपने जब वो कंपनी के शेयर खरीदे थे तब आपका माइंडसेट ये था कि कंपनी और भी ग्रो करेगी, और अगर एक दो दिन कंपनी के शेयर का प्राइस गिरता भी है देन वो कंपनी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। और हमें नॉशनल लॉस और बुक लॉस में डिफरेंस समझना चाहिए। जब तक हमारा लॉस बुक नहीं करते तब तक वो हमारा लॉस नहीं होता है, और हमें रेड पोर्टफोलियो को देख के डरना नहीं चाहिए, और एक्चुअली ऐसे टाइम्स पे आपको मार्केट से कटआउट कर देना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन मार्केट में फ्लक्चुएशंस देख के आप फोमो की वजह से कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड थिंग, आपको अपनी एसआईपीस कंटिन्यू रखनी चाहिए, और जब भी किसी अच्छी कंपनी में आपको चीप वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करने का मौका मिले तब जरूर इन्वेस्ट करें। एंड एट द एंड, एक्सपर्ट्स का मानना तो यही है कि ओवर द लॉन्ग टर्म इंडियन मार्केट्स अभी भी बहुत ही बुलिश है। सी, वॉर से आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ, और तो और रशिया ऐसी सिचुएशन में भी नहीं है कि वो एक ऑल आउट वॉर पर जा सके, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि रशिया के पीछे चाइना का हाथ है, लेकिन अगर रशिया ये वॉर जीत भी जाता है फिर भी उनके लिए एक लूजिंग सिचुएशन ही रहेगी।
एट द एंड हमें प्रे करना चाहिए फॉर पीस, जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉर।